हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इडली बनाएंगे, पर कुछ अलग तरह से। ना तो इसे हम स्टीम करेंगे और ना ही किसी स्टैंड की ज़रूरत है, और साथ में बनाएंगे चना दाल की चटनी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है, आधा कप दही लेंगे और आधा कप पानी डालेंगे। मिला लेंगे इन सबको। आप चाहे तो सूजी और दही को इक्वल क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप सूजी लें और 1 कप दही भी ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक को भी मिला लेंगे इसमें। अब सूजी को 20 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। इतने हम तड़का तैयार करेंगे इसके लिए। पैन गरम करके तेल गरम करेंगे, राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, दोनों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें चना की दाल डालेंगे, उड़द की दाल भी डाल देंगे। दोनों दालों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ये बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी भी फर्मेंट हो चुकी होगी और अब हमारा तड़का भी बन के तैयार हो गया है। चेक कर लेते हैं सूजी को। देखिए, सूजी पहले से गाढ़ी हो गई है और इस तरह का हमको बैटर चाहिए, थक्के के रूप में गिरना चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच इनो डालेंगे और इसके ऊपर 3-4 ड्रॉप पानी के डाल देंगे। पानी डालने से इनो जल्दी काम करना शुरू कर देता है। मिला लेंगे इनो को बैटर में। अब हमने जो तड़का तैयार किया था वो तड़का इस बैटर में डाल देंगे। इस तरह से सारा तड़का डाल देंगे इसके ऊपर। मिला लेंगे इसको। ये तड़का डालने से इडली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे जरूर ट्राई करिए। अब हम चलते हैं तड़का पैन की तरफ, इडली बनाएंगे। ये मैंने तड़का पैन लिया है। ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम इसे स्प्रेड कर लेंगे ताकि इडली इसके किनारों पे नहीं चिपके। अब 2 बड़े चम्मच बैटर डाल देंगे, फैला लेंगे इसको और ढक के 2 मिनट के लिए सेक लेंगे इसको। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे, इडली हमारी पहले से ज़्यादा फूल गई है। किनारों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा देंगे। पलट लेंगे इसको। देखिए कितनी क्रिस्पनेस आया है इडली में। इसे ढक के 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। चेक कर लेते हैं। देखिए, इडली हमारे दोनों तरफ से परफेक्ट सिक के तैयार हो गई है। बचे हुए बैटर से भी इडली बना लेंगे। फिर से ऑयल लगाएंगे। राई और सरसों के दाने डाल रही हूँ इस बार मैं इसमें। कड़ी पत्ता डाल देंगे और ये इडली का बैटर भी डाल देंगे। आप चाहे तो छोटी साइज की भी इडली बना सकते हैं। किनारों पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ढक के फिर से 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। 2 मिनट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। देखिए, इडली हमारी इस तरफ से बिल्कुल सिक गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इस तरफ से भी इडली बहुत ही अच्छे सिक्के तैयार हो जाए। पलट लेंगे इसको, ढक देंगे, चेक करते हैं। देखिए, इडली हमारे बिल्कुल परफेक्ट सिक्के तैयार हो गई है। अब हम चना दाल की चटनी बनाएंगे।
इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चना दाल लिया है, एक चौथाई कप कोकोनट पाउडर लिया है, कड़ी पत्ता, लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्च, छोटा टुकड़ा इमली का और नमक ले लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे, गरम करके चना दाल डाल देंगे। चना दाल को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप कोकोनट पाउडर की जगह ताज़ा नारियल भी यूज ले सकते हैं। इसका ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट आप हटा दीजिए और इसको कद्दूकस करके आप इसकी जगह यूज ले सकते हैं। देखिए धीरे धीरे दाल का कलर चेंज होता जा रहा है। इसको फ्राई करते रहेंगे। दाल को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए दाल का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये कड़ी पत्ता डाल देंगे, लहसुन की कलियां भी डाल देंगे, इन दोनों को भी फ्राई कर लेंगे। अब ये सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। फ्राई करते रहेंगे बस। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं सेकना है, ठंडा करके इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। कोकोनट का पाउडर भी डाल देंगे, जो इमली का छोटा सा टुकड़ा था वो भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। इसको पीसने में मुझे 1/4 का पानी और लगा है। चना दाल की चटनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। देखिए अगर आपको थोड़ी पतली करनी है तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। अब चटनी के लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तेल गरम करके राई डाल देंगे, हींग डाल देंगे, उड़द की दाल डाल देंगे, और ये कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। फ्राई कर लेंगे सबको। दाल को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तड़का हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको चटनी के ऊपर डाल देंगे। देखिए हमारी चना दाल की चटनी भी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे गरम गरम इडली के साथ सर्व करिए और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।